तीसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम की राजधानी गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए कांग्रेस को घेरा। अमित शाह ने मीडिया को बताया कि लोकसभा चुनाव के दो चरणों के बाद उनकी पार्टी के अतिरिक्त मूल्यांकन के अनुसार भाजपा और साथी पार्टी मिलकर 100 सीटों से अधिक जीत चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि जनता के आशीर्वाद से उनकी पार्टी 400 के पार दिख रही है। इसी के साथ जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना मामले में भी उन्होंने पार्टी के रुख को स्पष्ट किया और बताया कि भाजपा देश की महाशक्ति के साथ है। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना ने अमित शाह कर्नाटक सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा का रुख स्पष्ट है, हमारी पार्टी देश की महाशक्ति के साथ है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां किसकी सरकार है, वहां कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है, राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम इस मामले में कार्रवाई के समर्थन में है और हमारी साथी पार्टी जेडीएस भी इसका समर्थन करती है। आज उनकी कोर कमेटी की बैठक है जिसमें उचित कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने फेक वीडियो मामले में भी अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने कहा उनकी हताशा इस स्तर बढ़ गई है कि उन्होंने मेरे और अन्य भाजपा नेताओं के फर्जी वीडियो फैलाए हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भी इस फर्जी वीडियो को फैलाने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता पर आपराधिक मामला चल रहा है। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तब से वह राजनीतिक नए निचले स्तर पर ले गए हैं। मुझे लगता है कि जनता का समर्थन पाने के लिए किसी का भी फर्जी वीडियो नहीं फैलाना चाहिए। वहीं विपक्ष पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने आगे कहा, कांग्रेस हमेशा से ही झूठी खबर फैला रहा है कि 400 का आंकड़ा पार करने के बाद भाजपा देश से आरक्षण को खत्म करने वाली है, जो कि ये बातें बेबुनियाद और तथ्यहीन है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।